दिल्ली के फतेहपुर बेरी गांव में लोगों को एमसीडी की सौगात मिली है। एमसीडी द्वारा यहां के डिस्पेंसरी को अपडेट करके 20 बेड वाला मैटरनिटी वार्ड बनाया गया है। छतरपुर से लेकर भाटी माइंस तक दर्जनों गांव हैं। उसके बावजूद यहां गर्भवती महिलाओं के लिए कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है। यह समस्या इलाके के लोगों के लिए कई सालों से है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद के आते ही यहां के डिस्पेंसरी में मैटरनिटी वार्ड खोलने के लिए लगातार काम शुरू हो गया है और आखिर में 6 जनवरी को यह 20 बेड का वार्ड बनकर तैयार हो गया। आज हम फतेहपुर बेरी अस्पताल में खड़े हैं और ये नगर निगम का अस्पताल है और यहाँ सबसे बड़ी जो यहाँ की जनता की मांग थी वो थी जच्चा बच्चा की सुविधाओं की। और यहाँ पर नगर निगम और यहाँ के जो हमारे विधायक हैं करतार सिंह जी, हमारे पार्षद हैं सुंदर सिंह जी, इन सब की मेहनत से और नगर निगम के तमाम अधिकारियों की मेहनत से आज यहाँ पर 20 बेड की जो जच्चा बच्चा की सुविधा का हमने आज शुरुआत करी है। और कल ही अभी पता लगा यहाँ पर एक डिलीवरी भी हुई है और एक महिला ने एक बेटे को जन्म दिया है और उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं यहाँ की तमाम जनता है। यहाँ पर कब से, यहाँ मेरा आज तीसरा विजिट है, पिछली 2 विजिट में भी पता लगा था कि सबसे बड़ी मांग जनता की यही है कि यहाँ पर आसपास की जितनी भी महिलाएँ हैं उनको ऐसी सुविधा के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था और आसपास कोई सुविधा नहीं थी, तो अब इस सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। और अभी मेरे अधिकारियों से और डॉक्टर से यहाँ बात हुई है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी, एम्बुलेंस की फैसिलिटी, ब्लड बैंक की फैसिलिटी नहीं है और आने वाले समय में हम ये सब भी सुविधाओं का जो है सुविधाएं देने की पूरी कोशिश करेंगे। यह पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी एमसीडी के द्वारा दी गई सौगात है। इस अस्पताल में वार्ड के उद्घाटन के लिए खुद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय एवं स्थानीय छतरपुर विधायक करतार सिंह तंवर आए थे और इसका उद्घाटन किया था। देखिए, ये आज हमारे विधानसभा के लिए, क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा काम है जिसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय जी उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। आज फतेहपुर बेरी जो नगर निगम की अभी तक डिस्पेंसरी थी, आज हम उसको हॉस्पिटल के रूप में उद्घाटन कर रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले 20 बेड का मैटरनिटी हॉस्पिटल की शुरुआत कर रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऑपरेशन थिएटर, बेड्स और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। पूरा स्टाफ, नर्स, डॉक्टर्स सबका अपॉइंटमेंट हो चुका है, तो ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है और जिसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अस्पताल के शुरू होते ही यहाँ एक गर्भवती महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया जिसको दिल्ली की मेयर ने फूल देकर संबोधित किया और शुभकामनाएं दी। इस अस्पताल को अब 20 बेडों में अपग्रेड किया गया है, साथ ही ऑपरेशन थिएटर, लैब, एम्बुलेंस एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध होगी। इलाके के लोग और निगम पार्षद ने इस अस्पताल को लेकर स्वागत में आए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया और साथ ही यह मांग भी रख दी कि इतने बड़े क्षेत्र में होने के बावजूद यहां पर 24/7 सुविधा के लिए कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, लिहाजा इन्होंने मांग की थी कि एमसीडी द्वारा कम से कम 100 बेड का एक अस्पताल यहां बनाया जाए जिससे इलाके की जनता को राहत मिल सके। लोगों के निवेदन सुनने के बाद दिल्ली की मेयर ने यहां तुरंत जनता को आश्वासन दिया कि इस मांग को इसी साल के बजट में दिल्ली सरकार के समक्ष रखेगी और बहुत जल्द हो सकता है यहां पर 100 बेड वाला अस्पताल भी बनाया जाए। दिल्ली से वाजिद अली की रिपोर्ट।